हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और बस मैं नहाने ही जा रही थी, सारे काम हो गए थे किचन वगैरह के, झाड़ू पोछा सब, लेकिन थोड़े से बर्तन फिर निकल आए तो मैंने कहा इनको भी धुल के रख जाऊं, फिर जाऊं नहाने के लिए। और बस पूजा वगैरह कर ली है, उसके बाद में मैं आ गई हूँ। जो कुंदरू रखे थे ये पता कल मार्केट से लेके आए हैं, बस रात भर में ये कुछ ऐसे हो गए हैं, रेड रेड से हो गए हैं, पक गए हैं और ज़्यादातर पके ही निकल रहे हैं। कुछ तो दुकानी से लेके आए होंगे ये पके हुए इतनी जल्दी। वो फिर तो मैंने फ्रिज में भी रख दिए थे, ऐसा थोड़ी ना कि रात भर में ही पक गए हों, दुकान से ही आधे से ज़्यादा पके आए होंगे। तो बस कुंदरू रखे थे, वही बना रही हूँ। और अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, मैंने कहा पहले सब्जी छौंक देती हूँ तो ये पकती रहेगी, फिर चाय वगैरह देखूँगी अपने लिए। और जब मैं खाना बना रही थी तभी गेट खटकने की आवाज़ आई, तो ये शाम को लिए थे। फिर मैंने इनसे कहा कि कोई गेट खटखटा रहा है, गेट आ जाकर, तो पता चला ये आए हैं बिल्कुल जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म होती है वो पहने हैं। और ये बता रहे थे, मैंने इनसे पूछा था ये कौन है, पहले तो मैं सोची सच में पुलिस वाले हैं क्या, तो ये कहते नहीं ये बहरुपिया भैया है, मतलब किसी की भी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहन लें, साधु संत की जो भगवा कलर के कपड़े होते हैं वो, हर तरीके का भेस बना लेते हैं अपना। छोटे भैया खुशी बना रहे, भगवान जाए हजारी उम्र करियो, दरबार दे मालिक इतना दियो, भगवान ठाकुर सावन को बना जी महाराज को। भगवान जाए हजारी उम्र करियो, भगवान ठाकुर जी राखी जाए, भगवान पढ़े लिखे नौकरी पे बने, आईपीएस बने, कलेक्टर बने। कलेक्टर बने ठीक है। कोई भी आ जाए मांगने वाला कोई भी, तो घर वाले से कहा देते हैं कि इनके लड़का हुआ इनके घर चले जाओ, और बोलते हैं घर भी आया है तो 500 रुपये लेके चला गया। और 11 से मांग रहे थे, पर लेकर 500 बड़ी मुश्किल से, शिवानी तो बोल रही थी कि 200 रुपये दे दो। और श्याम को आशीर्वाद भी उन्होंने खूब दिया है, श्याम IPS बनना, कलेक्टर बनना, ये बनना, वो बनना। अभी 500 रुपये किसको दे के आए श्याम? किसको दिए पैसे? पैसे किसको दिए? किनको दिए पैसे? पैसे तो डमरू दिए, ले रहे हम अपना। बोल देता भैया अंकल जी मेरे डमरू को ले जाओ, पैसे नहीं है हमारे पास, भाग के दे दी पैसे, भाग के पैसे दिए इसने, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जाओ IPS बनोगे, कलेक्टर बनोगे। और सब्जी बनाने के साथ ही साथ मैंने अपनी चाय करने की नहीं रखती है, क्योंकि जब चाय इनके लिए बनाई थी सुबह तब मैंने पी नहीं थी, फिर मैं नहाने के बाद पूजा वूजा हो गई उसके बाद अब मैं पीने जा रही हूँ, मैंने कहा साथ ही साथ सब्जी भी बनती जाएगी। अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने के लिए और तब तक सब्जी भी पक जाएगी। जैसे ही दोपहर के 1 बजे तुरंत इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, कहाँ इतनी धूप निकली थी और कहाँ ये देखो इतनी तेज बारिश हो रही है। और बारिश हो रही है तो श्याम भी बारिश को बड़े गौर से देख रहा है, वो बूंदें बड़ी तेजी से धरती में जैसे ही गिर रही है उनको देख रहा है बड़े गौर से, पूरी नज़र उसकी बारिश के साइड है, बाहर साइड है, ये देखो एक टक लगा के देख रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो बारिश में? ऐसा अर्जेंट काम क्या है तो तुम बारिश में जा रहे हो? नहाने का मन कर रहा था लेकिन मैं नहा लिया, अभी दोबारा नहा लो मन कर रहा था। देखो देखो कहाँ जा रहे हो, सही बताओ कहाँ जा रहे हो? पार्क में घूमने के लिए। ज़्यादा नहाने की शौक लगी, पाइप के नीचे खड़े हो जाओ, पाइप की बहुत तेज पानी गिरता है, पाइप साफ है वो, कौन गंदा नहा।
घनश्याम जी और मेरी तैयारी बन गई है, क्योंकि मेरा मन काफ़ी दिन से था और मैं जा नहीं पाया, और शिवानी और श्याम घर पर रहेंगे और अकेला ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मौसम सही नहीं है, बारिश का मौसम है, रास्ते वगैरह में बारिश वगैरह हो तो उसमें श्याम को दिक्कत आएगी, इस वजह से नहीं जा पा रहा हूँ श्याम को लेके, और आगे चल के बारिश थोड़ी कम हो जाएगी और उस टाइम श्याम को भी ले जाएंगे, शिवानी और श्याम रहेंगे घर पे, क्योंकि मुझे पैदल जाना है रिंगस से। और ये तो चले गए हैं मंदिर, और उनके जाने के बाद में ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो मैंने थोड़ा बहलाने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए कार्टून लगा दिए हैं, बस बंद कर। और इनके मंदिर जाने के बाद में फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, एक तो मैं अकेली थी, दूसरा श्याम भी बहुत परेशान कर रहा था, और मेरी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऐसा लगा था जैसे फीवर आ रहा हो, मौसम ही ऐसा चल रहा है इस वजह से। और ये रिंगस पहुंच चुके हैं, रिंगस से ये खाटू धाम तक पैदल जा रहे हैं, निशान ले के, मन्नत इनकी पड़ी हुई थी तो ये पैदल जा रहे हैं रिंगस से खाटू धाम तक निशान लेकर। तो ये बोल रहे थे जितनी देर हम लोग रिंगस से खाटू धाम पहुँचे उतनी देर इतनी बारिश होती रही, हम भींगते ही रहे पूरी रास्ता, और जब मंदिर पहुँच गए हैं दर्शन करने के लिए तब भी बारिश होती रही थी, हम लोगों ने भींगते ही भींगते दर्शन किए थे। और जैसे ही बोल रहे थे मंदिर से लौटते टाइम जैसे ही बस में बैठे हैं तो बारिश बंद हो गई थी, और वैसे पूरे दिन बारिश हुई है। तो जो लोग मेरी तरीके नहीं जा पाए हैं मंदिर, तो मेरे वीडियो के ज़रिए दर्शन कर लीजिएगा, और जैसे मैंने भी वीडियो में ही दर्शन किए हैं। तो फ्रेंड्स, जिसका इंतज़ार था इतनी देर से, तो ये लीजिएगा, आप लोग भी बाबा के साक्षात दर्शन कर लीजिएगा। और ये देखो, इन्होंने थोड़ा सा जूम करके भी ले लिया था, और ग्यास के दिन काफ़ी भीड़ भी होती है बहुत ज़्यादा। और अभी ये मंदिर में ही हैं, बाबा के दर्शन तो कर आए हैं, अब ये कुंड में जा रहे हैं जो श्याम कुंड है वहाँ पर। प्रसाद हो गया और ये मम्मी के लिए लेकर जा रहा हूँ, मम्मी पापा नानी तीनों लोग ले लेंगे, और बाकी का बांट देना, काम में बढ़ जाएगा, ठीक है। और इनकी आँख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है रात रात में कल, इसलिए चश्मा लगा रखा है, सही किया। और ये श्याम के लिए कपड़े, अभी ये पहली बार आए हैं इसके लिए, वो भी श्याम दरबार से, खाटू श्याम जी से, श्याम दरबार के पहनेगा कपड़े हैं, और उसके लिए खिलौना भी है, ये इसके लिए खिलौना है श्याम के लिए, इसको ये चाबी भर लो, ये चलता श्याम के पास जाओ, श्याम के पास जाओ, श्याम के पास, श्याम के पास, श्याम के पास, श्याम ये तो चलता है, श्याम के पास जाओ, श्याम के पास, झूमर है, झूमर है, झूला है, और मैंने सोचा धूप बत्ती अगरबत्ती तो घर में चाहिए होती है, ऐसे थोड़ी चलेगी बेटू, ऐसे थोड़ी चलेगी, ऐसे नहीं चलती, ऐसे भी चलती है, और वैसे तुम ऐसे करो, ऐसे खिसका, खिसकाने में भी चलती है, ऐसे नीचे खिसकाओ, नीचे खिसका, ऐसे इसको यूं भी चलाओ और छोड़ दो, ये सही चलती है। आ श्याम के पास जा रही है जुमा, श्याम का खिलौना, और श्याम के लिए कपड़े के लिए लिए, और लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने तीन ड्रेस लिए है, ये देखिए, तो काफी दिन से शिवानी बोल रही थी कि कपड़े उनके नहीं है, हाँ वो वाले खराब हो गए, उनकी लेस निकल गई थी, लेस वगैरह निकल गई थी बहुत जल्दी, धागे से छूट रहे थे, हाँ। उनके लिए मैं तीन जोड़ी लाया हूँ, तीन ड्रेस लड्डू गोपाल की, एक ड्रेस श्याम की, और एक ये मेरी नजर में आ गई, इसमें क्या है, इसमें धूप बत्ती है, धूप बत्ती का डिब्बा, सही है, अगरबत्ती धूप बत्ती तो घर में चाहिए होती है पूजा वगैरह के लिए, तो ये वाली धूप बत्ती तो पहली बार आई है अपने घर में, जो डिब्बे में वैसे पैकेट आते थे ना, पूरे डिब्बा ही ले लिया मैंने, मैं चाहिए जरूरत पड़ती रहती है इन चीजों की, तो
और ज्यादा कुछ नहीं लिया। और एक जोड़ी शिवानी के लिए कंगन लिए, मेरे लिए भी। हाँ तो यार सब लोग लेके जाते, बोलती है कि मेरे लिए कुछ लेके नहीं आते हैं। अरे वाह, तो मैं हमें भी याद आ गया था लेने के लिए वहाँ पे। सबके लिए लिया है, दिखा राधे श्याम मिला दे। राधे कितने सुंदर लग रहे हैं, राधे राधे लिखा है, मोर पंख बना है, अच्छे लग रहे हैं बहुत ज्यादा, गोल्डन कलर के हैं। और ये देखिएगा ये कंगन कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, इसमें ना राधे राधे भी लिखा हुआ है, मोर पंख भी बने हुए हैं और गोल्डन कलर के हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर जो ना मंदिर से चीज ली जाती है वो और भी ज्यादा अच्छी लगती है। श्याम मम्मा के लिए कंगन आए और श्याम के लिए तो दो दो चीज आई है, कपड़े भी आए हैं, झूमर भी आई है। ये झूमर ही है ना, इसमें लिखा होगा ये लिखा है इसमें झूमर ही लिखा है। ये झूमर चलती भी है, चलती है ना, चलती है, वाह ऐसे ऐसे चलती है। देखा हम चलाए, देखा हम चलाए, दिखा ना हम चलाए, डिग 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 चलती है। दिखाना चाहे, और इसमें अंदर चिड़िया भी बैठी है, देखो पिंजरे के अंदर चिड़िया भी बैठी है, अंदर चिड़िया है ना, चिड़िया है, दिखा दो क्या दो। देखो मेरे पापा मंदिर से, खाटू श्याम मंदिर से लेके आए हैं। अच्छा नहीं दिखाओगे, ले रख ले अपने पास में। और श्याम को ना ये झूमर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और मुझे ना आज बहुत ज़्यादा आँख में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से एडिटिंग में भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।